भगवान जगन्नाथ मिश्रा कर्पूरी ठाकुर से खूब झगड़ा किए, तब वो आश्वासन दिए कि जाइए मैं चला के छोड़ूंगा इंदिरा गांधी। इस व्यक्ति को ध्यान से देखिए, ये व्यक्ति हैं सुरेंद्र तिवारी, जो कटिहार के जूट मिल में 1976 में कार्य करते थे, जो जूट मिल 26 दिसंबर 1976 को बंद हो गया। आपको बता दें कि मिल को चालू कराने के लिए विधायक से लेकर मुख्यमंत्री एवं आला अधिकारियों से उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन अभी मामले की सुनवाई नहीं हो पाई है, जिसको लेकर वो लगातार यहाँ वहाँ भटकते फिर रहे हैं ताकि उस मामले की सुनवाई हो सके। उनको हटा दिया गया था। मैं कटिहार जूट मिल में काम कर रहा था, वो मिल 26 बरस 76 को बंद हो गया। उसके बाद सर हाल ही में प्रेस करके ये भोला पशु इंदिरा गांधी को भी कहे कि आप लोग क्या कर रही है, हम लोग मर रहे हैं भूखे मजदूर। तब उसने आदेश किया 1878 को मिल चालू हुआ, बनाने में उसको मैंने स्टार्टिंग बनाने में कुछ समय लगा, जिसका बनाने में समय लगा 1878 को हुआ और रनिंग हुआ 22/4 और मिल चलने लगा। बाहर से कुछ लोग भी आए, पंजाब यूपी हरियाणा, लेकिन सब बंगाल मैनेजमेंट था, कटहेड ऑफिस कलकत्ता था, जो मिस्टर अलविदा मुखर्जी का ग्रुप था, और हाई रेज में ही लोग करप्शन करते थे। वहाँ के 4000 मजदूर श्रमिकों ने 2 बार अटैक किया, तो उसको प्रशासन के द्वारा पैसा दे करके और उसको जो है सर डाउन किया। लेकिन मैंने बराबर इसका विरोध करता रहा। मैं प्राइवेट मैनेजमेंट टीचर इलेक्ट्रीशियन रहा और आफ्टर कॉम्पिटेंसी गवर्नमेंट ऑफ बिहार से अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार मैट्रिक पास करने के बाद लाइसेंसी बना ऑन दिस बिहाफ ऑफ इंजीनियर, इसको बोलते हैं इंजीनियर का मुकाबला में होता है, और मैं वहाँ ट्रांसफार्मर बनाया। मैं वहाँ और भी कुछ प्रोग्रेस किया। उस समय ब्रिगेडियर बजाज केएल बजाज था, वो हमारे को कुछ तुम काम किया लोगों के कहने पर, मैंने भी उसका उसी अड्डे में जवाब दिया। बात में समझने के बाद हमको रिवार्ड दिया और रिवार्ड के साथ मैंने प्रमोशन का ये किया, तो प्रमोशन के लिए भी हमको अलाउ किया। लेकिन बंगाल मैनेजमेंट सर नीचे से ऊपर ले था, वो किसी को चलने नहीं देता था, फिर भी हमने प्रमोशन लिया। और 4 पंजाबी, 2 हरियाणा, 2 यूपी, 1 गुजरात, 1 मड़वारी, 11 आदमी इन लोगों के जुल्म से रिजाइन दे करके चला गया। हमारे संघर्ष से 1 कटिहार, 6 कलकत्ता, लमसम 25 से 30 हजार लोगों की रोजी हुई, और वो सब आज बंद हो गया। यही सरकार है, यही न्यायालय है, हमारे ऊपर उम्र में गलत लिखाने का आरोप लगाया है, वो फॉल्स है। 17/12/79 को उसी मैनेजमेंट में हमको प्रमोशन हुआ। किस आधार पर किया, क्या देखा उस समय, हमको रिवार्ड कैसे मिला, हमने इतना दिन काम कैसे किया। पूर्व प्रबंधन में भी हमने एकदम डट करके काम किया, टीचर इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद प्लांट में इसी तरह वो हमको सीनियर सुपरवाइजर पावर प्लांट में प्रमोशन दिया, जिसका 4 बरस का स्केल नहीं दिया। और इस सब विधा को देखते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखा कि आप क्या कर रहे हैं, कास्टिज्म, ग्रुपिज्म, फुल ब्लैक, सेलिंग ब्लैक, परजेटिंग ब्लैक, दिस ट्रीटमेंट क्लियरली शोज द ड्यूअल पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट, सो दैट आई रिक्वेस्ट फॉर हर काइंडली अटेंशन। यही मेरा डिसमिसल ऑर्डर का कारण है। वो वहाँ के कटिहार के INTUC के मैंने कांग्रेस के नेता को बुला करके पैसा दे करके श्रम विभाग कटिहार प्रबंधन न्यू सेक्रेटरियट श्रम न्यायालय सबको कंट्रोल किया। बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड इतना जोर का हमने कंट्रोल कर दिया, सबको बेइज्जत किया, डांटा हूँ मंत्री को। आखिरकार क्या हुआ जो आपको 27 साल जॉब करने के बावजूद इस कंपनी से बाहर निकाला गया, तो इसका सूचना आपने किसको दिया? निकालने का यही कहा, इन लोगों के करप्शन को हम नहीं चाहते थे, हम करप्शन का बराबर विरोध करते थे, तो इसका सूचना आपने आला अधिकारी किसी को दिया? सब किसी को, DM, CM, PM, ऑल इंडिया है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि जनता से वोट लेने के बाद इन लोगों को फुर्सत नहीं है कि क्या कर रहा है, क्या खाता पीता है। इस हादसे में हमारा
वाइफ मर गई, 80 वर्ष का एज हो रहा, हमको रोटी नहीं मिल रहा, किसको हम अपहरण करेंगे? ऐसा अब ये शर्म की बात है, ये न्यायालय है, हम बुलंदे बुल कहलाता है। सबसे घटिया काम हाई कोर्ट का है, उसको लिख करके भी हम दिया है, बिफोर द डिसमिसल ऑर्डर 21 प्रार्थना किया है कि हमने कोर्ट में बोलने को मौका दो, बोलना मौका नहीं दिया। डिसमिसल ऑर्डर के बाद भी हमने उसको कहा कि आपके फैसले सारे गलत है, कानून से लेके कर्जवाही तक, इस पर भी कोई सुनवाई नहीं। वो मैनेजिंग डायरेक्टर का जन्म मेरे कर्म पर हुआ है, न मिल चलता, न उसका कॉरपोरेशन बनता, न वो डायरेक्टर। क्या मांग करते हैं आप बिहार सरकार से? बिहार सरकार नहीं, सेंट्रल सरकार है। अच्छा, सेंट्रल सरकार से। हाँ। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं हमको नौकरी चाहिए, 80 वर्ष का एक है, उसको लिख के चीफ जस्टिस को दिए हैं कि 65 वर्ष का फुल फ्रेजर पावर प्लांट इंजीनियर का पे चाहिए, पेंशन चाहिए, ग्रेच्युटी चाहिए, माने जो भी बेनिफिट हुआ है स्टैंडिंग ऑर्डर या फैक्ट्री एक्ट के अनुसार जैसे लोगों को मिला है हमको मिलना चाहिए। और एक लड़के का नौकरी चाहिए, लेकिन मिलवे नहीं चलता है तो नौकरी क्या देगा? तो सब मिल बंद कर दिया, खा गया 35 वर्ष तक कोई चलाया, अभी आपको कुछ भी नहीं मिलता, पेंशन कुछ नहीं मिलता है। आप अपना परिचय दे दे। हमारा परिचय सुरेश तिवारी, ग्राम गलार, पोस्ट हुसैनगंज, जिला सिवान, क्या नाम है, प्रखंड जीरा देई,